दिन है, थोड़ी ही देर में राजघाट पहुंचेंगे विदेशी मेहमान। राजघाट पर महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। सुबह 9:20 पर भारत मंडपम पहुंचेंगे सभी मेहमान। 10:30 शुरू होगा सम्मेलन का तीसरा सत्र। वन फ्यूचर पर होगा सम्मेलन का तीसरा सत्र, तो ये बड़ी जानकारी दे रही हैं। 10:30 शुरू होगा सम्मेलन का तीसरा सत्र। वन फ्यूचर पर होगा सम्मेलन का ये तीसरा सत्र, तो दिल्ली में G20 सम्मेलन का दूसरा और आखिरी दिन है। अब से कुछ ही देर में राजघाट पहुंचेंगे विदेशी मेहमान। राजघाट पर महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, कल भी सत्र शुरू हुआ, कल पहली बैठक हुई, आज वन फ्यूचर पर सम्मेलन का तीसरा सत्र है, क्या है जानकारी? जी बिल्कुल साधना, आपको बताऊंगा कि G20 नेताओं की तीसरी मीटिंग था आज, वन फ्यूचर पर जो है आज जो है चर्चा रहने वाली है। मैं आपको बता दूं, भारत की मेजबानी में इस समय नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित मंडपम में जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में कल की अगर मैं बात करूं तो अफ्रीकन यूनियन को जो है शामिल किया गया 21वें सदस्य के रूप में। तो अब सबसे पहले तो हमको G20 नाम से नहीं, G21 के नाम से जाना जाएगा। तो आगे का जो भी रहेगा वो G21 की जगह G20 रहेगा, G20 की जगह पर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 8:15 मतलब 8:15 से जो है वैश्विक नेता जितने भी हैं वो उनका जो काफिला है वो राजघाट पर जाएगा, जहाँ पर जो है बिल्डर्स लॉन्च में 30 वॉल पर जो है दस्तक किए जाएंगे और सबसे सिग्नेचर होंगे वहां पर। और इसके अलावा मैं आपको 9:00 महात्मा गांधी की समाधि पर जो है फूल और हार जो अर्पित किए जाएंगे। इसके बाद महात्मा गांधी की मनपसंद भक्ति गीतों पर जो है लाइव परफॉर्मेंस रहेगा। 9:20 पर नेता भारत मंडपम के लिए दोबारा से प्रस्थान करेंगे, वहां पर पहुंचेंगे। और 10:15 पर भारत मंडपम के लेवल 2 पर स्थित जो है साउथ प्लाजा में पौधारोपण समारोह होगा, पौधे लगाए जाएंगे। इसके बाद 10:30 जो है सबमिट में तीसरी सत्र की जो वन फ्यूचर जो आज चर्चा का विषय रहने वाला है उस पर जो है वार्ता शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर नई दिल्ली घोषणा पत्र का अंगीकरण किया जाएगा, जिसके बाद समापन समारोह और जो हस्ताक्षर समारोह रहेगा सबसे नेटिव उस पर होंगे, और उसके बाद एक ग्रुप फोटो वगैरह जो होगा वो होगा। इसका ये सारा काम दोपहर 12:30 जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद जितने भी विदेशी मेहमान है जो अपने सुविधा अनुसार है जिनको वापस जाना प्रस्थान करना होगा वो जाएंगे। इसके अलावा आपकी और बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो US के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, वो आज सुबह बैठक में शामिल नहीं होंगे। बाइडेन सुबह 10:20 पर ही अमेरिका के लिए वापस रवाना हो जाएंगे कुछ निजी कारणों के चलते हुए। ठीक है अरुण, ये भी बताइए क्योंकि देखिए नई दिल्ली घोषणा पत्र का ऐलान सत्र के दौरान होना था, क्या वो घोषणा पत्र आज ही उसका जिक्र होगा, क्या है जानकारी उस पत्र को लेकर? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं दिल्ली घोषणा पत्र की, तो इस पर जो है कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबकी स्वीकृति मिल चुकी है, तो आज जो है इसकी जो है चर्चा की जाएगी, इस पर भी बिल पर जो है साक्षर किए जाएंगे। तो आज जाहिर सी बात है दिल्ली पत्र पत्र है, दिल्ली घोषणा पत्र है जो है उसको स्वीकृति मिल जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।